हाय फ्रेंड, माय नेम इज आफ्ताब और आज हम सीखेंगे कि सेटिंग आउट इसके लिए ड्राइंग कैसे बनाते हैं। जब भी साइट पे काम शुरू होता है तो उससे पहले एक ड्राइंग बनाई जाती है जो डिज़ाइन होने के बाद बनता है। यानी कि जब आप डिज़ाइन किसी चीज़ का करते हैं, जैसे कि कोई भी लाइन हो गया, जैसे कि वाटर लाइन हो गया या सीवर लाइन हो गया या कुछ और हो गया या स्ट्रॉम वाटर हो गया, तो उसको आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर देते हैं। डिज़ाइन करने के बाद हमें वो कोऑर्डिनेट देना होता है साइट पे कि जाके उसको देखा जाए कि हमने जो डिज़ाइन किया है वो उस जगह पे सुटेबल है, बैठेगा कि नहीं बैठेगा। अब जैसे हमने चैम्बर का कोऑर्डिनेट दिया, इसको सेटिंग आउट बोलते हैं। डिज़ाइन होने के बाद ये करके देना होता है ड्रॉपमैन को। तो इस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं, इसके बारे में सीखेंगे कि किस तरह से हमें कोऑर्डिनेट डालना चाहिए, कोऑर्डिनेट डालते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और इतना कोऑर्डिनेट किस तरह से डाला जाएगा, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और डिस्क्रिप्शन में जाके आप देखिएगा तो मेरे वेबसाइट का लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके देखें, हो सकता है कुछ आपके काम की चीज़ें मिल जाएं। क्योंकि ये ट्यूटोरियल से रिलेटेड है तो और लोगों के भी ट्यूटोरियल वहाँ पे एम्बेड किए हुए हैं। ऑटोकैड से रिलेटेड है, 3D Max से रिलेटेड है, फोटोशॉप, ऑल टाइप ट्यूटोरियल, तो वहाँ पे जाके तो देखें अगर कुछ आपको लगे तो। चलिए शुरू करते हैं। अभी ये है सेटिंग आउट की ड्राइंग। ये सबसे पहले क्लीन था, कुछ इस कंडीशन में था। फिर हमने इसमें हर एक चैम्बर, यानी ये एक चैम्बर है, ये ड्राइंग है स्ट्रॉम वाटर की और ये चैम्बर है जहाँ जहाँ पे, और ये आपका लाइन है, पाइपलाइन। हर चैम्बर का कोऑर्डिनेट देना होता है सर्वेयर को, वो ले जाके साइट पे देखता है कि आपने जो डिज़ाइन किया है या आपने जो कोऑर्डिनेट ये चैम्बर को मार्क किया है, क्या वो सिचुएशन वहाँ पे है साइट पे, एग्जैक्ट लोकेशन पे आएगा, बैठेगा कि यहाँ पे रोड आ रहा है या कोई कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें सेटिंग आउट देना होता है, फिर इसी के अकॉर्डिंग साइट पे काम होता है, क्योंकि बिना इसके काम नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है। तो मेरा कहना ये है कि जब भी आप कोऑर्डिनेट डालें, कभी भी कोऑर्डिनेट से रिलेटेड कोई चीज़ हो तो वहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से ड्राइंग पे होना चाहिए। कोऑर्डिनेट गलत होने से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, यानी कि बहुत बड़ी इशू आ सकती है आपके सामने। तो बेहतर है कि आप कोऑर्डिनेट बहुत ही ध्यान से डालें। अब कोऑर्डिनेट डालना कैसे है वो हम आपको बताएंगे। अब मैं देखिए आपके सामने इसके ड्राइंग को, इसमें जो है कोऑर्डिनेट डालने जा रहा हूँ। तो कोऑर्डिनेट डालने के लिए इसमें अगर आप ऑटोकैड में डालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो उसके लिए हम ऑटोकैड के लिए एक लिस्प यूज करते हैं ताकि उससे हमारा काम जल्दी हो जाता है, बहुत ही जल्दी हो जाता है। यानी कि आप 1 घंटे में चाहें तो पूरा डाल सकते हैं अगर फटाफट डालना चाहें तो। उसके लिए हमें वो लिस्प चाहिए, तो हम लिस्प आपको दिखा रहे हैं। ये है XY, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका डाउनलोड लिंक, इससे पहले भी मैंने वीडियोज़ में दिया हुआ है, लिस्प पे आपको मिलेगा। तो ये आप सबसे पहले यहाँ से कॉपी करते हैं, इसको हम अपलोड करते हैं। देखिए कैसे अपलोड होता है। लिस्ट को सबसे पहले आप जाइए मैनेज, या आप APP टाइप करेंगे तो भी ये चीज़ आ जाएगा अपलोड। APP टाइप कीजिए या डायरेक्ट आप यहाँ पे अपलोड, यहाँ से जाने के बाद अब आप यहाँ पे ये देखिए ऑटोकैड का फोल्डर ओपन हुआ। यहाँ से जाके आप कोई भी एक फोल्डर, यहाँ पे देखिए सपोर्ट नाम का एक फोल्डर होगा, ये यहाँ पे रख देते हैं। कोई एक ऐसी जगह पे रखिए जहाँ जब आप चाहें जब उसको उठा लें। हम यहाँ जाके इसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट कर दिया और इसके बाद इसको मैंने सेलेक्ट किया और लोड कर दिया। लोड करने के बाद फिर यहाँ पे जाइए, यहाँ से इसको पाथ दे दीजिए। पाथ देने से क्या होगा कि बार बार आपको इसको अपलोड नहीं करना होगा, एक बार अपलोड कर देंगे तो जब भी आप कमांड देंगे तो एक्टिव मिलेगा। तो यहाँ से ऐड करते हैं। ऐड में जाने के बाद अब यहाँ पे आपने किस फोल्डर में रखा था, सपोर्ट में, ये देखिए यहाँ पे है ना, ये मैंने सेलेक्ट किया।
ओपन किया और क्लोज कर दिया, फिर इसको लोड कर दिया और क्लोज कर दिया। अब मैंने एक चीज़ और बताया कि इसका हम वो कैसे देखते हैं। मैं डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ, देखो इसका कमांड क्या है। जब भी आप लिस्ट यूज करते हैं तो कमांड उसका क्या होता है वो जानना भी ज़रूरी है। तो इसको आप ओपन विथ हमेशा वर्ड पैड या नोट पैड पर कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है कि इसका कमांड क्या है, CR। इसी तरह से किसी भी लिस्ट का आप देखेंगे तो आपको यहीं पे ऊपर नीचे कहीं ना कहीं ऊपर टॉप पे ही मिल जाएगा यहीं पे। ये भी मैंने बताया हुआ है लेकिन फिर भी आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। अब हम यहाँ पे टाइप करते हैं CR, एंटर। अब CR हमने टाइप किया, अब यहाँ पे देखिए ये अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके सामने आया। अब हम यहाँ पे देखिए जब क्लिक करते हैं तो ये बहुत से पॉइंट दिखाता है, यहाँ भी दिखा रहा है पॉइंट, यहाँ भी दिखा रहा है पॉइंट, देखिए ये सब। तो जब भी आप कोऑर्डिनेट डालना हो तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। देखिए मैं एग्जिट हो रहा हूँ और सेटिंग में जाते हैं, यानी यहाँ से जाके आप इसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग सेटिंग। अगर आप इसको टाइप करेंगे TRAFTINGS तो ये आ जाएगा ड्राफ्टिंग सेटिंग। अब आपको आ जाना है ऑब्जेक्ट स्टैक में, यहाँ पे सब को आप क्लियर कर दीजिए। जब भी कोऑर्डिनेट डालना हो, अगर सर्कल का डालना है तो आप सेंटर को ऑन कर लीजिए। अब अगर हमारा ये रेक्टेंगल है तो हमें एंड पॉइंट चाहिए तो हम इसको ऑन कर लेंगे, बाकी सब को हम बंद कर देंगे और ओके कर देंगे। यहाँ कोऑर्डिनेट डालते समय ये जरूर ध्यान रखिएगा, वरना कोऑर्डिनेट गलत हो जाएगा, और कोऑर्डिनेट गलत होगा तो बहुत बड़ा इशू होता है, आपको ऑफिस की तरफ से प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब हम कोऑर्डिनेट डालेंगे, अब ये क्या करेगा, सिर्फ इसी को पॉइंट, और देखिए आपको कहीं भी आप कर्सर कहीं भी ले जाओ कहीं पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, यानी कि कोऑर्डिनेट गलत होने के 1% भी चांसेस नहीं है। अब इसके अगर हमें 4 कोऑर्डिनेट देना है, ये देखिए यहाँ पे जाएंगे सेंटर पे, एग्जैक्ट सेंटर पे पकड़ेगा। लेकिन जब ऑब्जेक्ट स्नैप कम्प्लीटली फुल ऑन होता है या और भी चीज़ों पे ऑन कर देते हैं तो कहीं भी वो पॉइंट पकड़ लेता है, आप जल्दी जल्दी में गलत कर जाते हैं। तो हमेशा याद रखिए, अगर सेंटर लेना है तो सेंटर ऑन कर लीजिए, या इंड कैप ऑन कर लेंगे तो ये सेंटर भी देखो यहाँ पे इस चीज़ का देखिए सेंटर ले रहा है, ये देखिए क्लिक क्लिक इंटर क्लिक क्लिक इंटर क्लिक इंटर, इस तरह से हम डालते चले जाएंगे। ये देखिए अब ये कितना जल्दी, आप सोचिए कि कितना जल्दी आप कोऑर्डिनेट डाल के और आप अपने साइट पे दे सकते हैं या सर्वेयर को जिसको भी देना हो। ये देखिए आपका तो ये दूसरा पॉइंट पकड़ेगा ही नहीं। अब यहाँ पे देखिए डबल लाइन है, या देखिए लेकिन वो एग्जैक्ट उसी पॉइंट को पकड़ेगा। तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, यहाँ पे अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। जब आप रखेंगे क्लिक करेंगे साइड में थोड़ी दूर पे ही जाएंगे, ऐसे ही वो एग्जैक्ट पॉइंट को पकड़ लेगा, तो इसमें गलती होने के चांसेस नहीं होते हैं। कोऑर्डिनेट डालते समय गलती नहीं होती है, और कोऑर्डिनेट को कभी भी मजाक में मत लीजिए, इसको बहुत सीरियसली डालिए। देखिए क्योंकि इसके बिना पे ही साइट पे काम होता है, चाहे जिस टाइप का वर्क हो, कोऑर्डिनेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए अब इसको डालने के बाद अब इसको आप ऐसा रोटेट कर दीजिए किसी एक जिस जिस तरह से आपको चाहिए। यहाँ से इसको पकड़ के इधर कर लीजिए दूर थोड़ा, और इसको यहाँ से ऐसा कर दीजिए। अब ये हो गया, अब इसको मैच कर दीजिए, MA मैच करते जाइए। ये देखिए वन साइड यानी कि इधर कर दीजिए, उसके बाद इधर कर दीजिए, इसको भी इधर कर दीजिए, और इसको यहाँ से ड्रैग करिए वर्टेक्स को टच करके, यहाँ से इसको पकड़ के इधर कर दीजिए, फिर इधर से इधर मैच करा दीजिए। अभी देखिए उसी तरह से ड्राइंग बनता जा रहा है जैसा मैंने आपको फर्स्ट टाइम दिखाया था, इसी तरह से इसको मैंने बनाया और बना के साइड पे दिया, इस पर काम पूरा हो रहा है। तो आप पकड़ के यहाँ से
इसी तरह से ये कंप्लीट पूरे प्रोजेक्ट में इसी तरह से कोऑर्डिनेट डाला गया है। कोऑर्डिनेट डालने के बाद अब ये ई इक्वल लगा है, और जबकि मैंने यहाँ पे देखो ई के आगे कुछ और लगा है, तो इसको भी आप यहाँ से जो है डबल क्लिक करिए और ये वाला पॉइंट जो है इसको कॉपी कर लीजिए कंट्रोल सी, और यहाँ पे जाके फाइंड में जाइए कंट्रोल वी, यहाँ पे कंट्रोल वी, इसको हटाइए और ये लगा दीजिए रिप्लेस ऑल, डन डन। इस तरह से आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, देखिए ई के आगे हो गया फिर नॉट। तो इस तरह से आप साइट के लिए सेटिंग आउट देंगे। अब वो आपका, ये मेरा अगर स्ट्रॉन्ग ऑर्डर है तो यहाँ पे मैन होल भी हो सकता है, जैसे कि देखिए ये मैन होल रखा हुआ, ये अब इस मैन होल का अगर कोऑर्डिनेट देना है सी आर टाइप करेंगे एग्जैक्ट पॉइंट पे ही देखे जाएगा, वहीं के सेंटर का ही कोऑर्डिनेट उठाएगा, कभी गलत नहीं हो सकता है। आप कभी भी दे देंगे आँख बंद करके कोऑर्डिनेट डालिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए इसको यूज कीजिए, और ये डाउनलोड का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इस डाउनलोड कर लीजिएगा। और हमेशा ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्ट स्नैप कम्प्लीटली ऑफ करके यहाँ से जाके या टाइप करके, ये है आपको ऑब्जेक्ट स्नैप, इंड पॉइंट ऑन रखिएगा, बाकी सबको हटा दीजिएगा, कभी भी कोऑर्डिनेट आपका गलत नहीं होगा। तो मैं जो बताना चाहता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।